सीधी से बड़ी खबर है, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हाईवा ने ऑटो को टक्कर मार दी है। एक बच्चे सहित चार लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक हुई है। कोतवाली थाना इलाके में शिवपुरवा की घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता हरीश द्विवेदी, जुड़े हुए हैं फोन पर। हरीश, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ है? बिल्कुल सुमित, हृदय विदारक और दर्दनाक सड़क हादसा है। चूंकि ये सभी जो लोग हैं, गांव के लोग हैं और यहां दबा जिला अस्पताल आ रहे थे और इसमें बच्चे भी शामिल थे, बच्चों को लेके यहां आ रहे थे। बच्चों की तबीयत खराब थी, उसे दवा कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है, NH 39 शिवपुरवा जो मुख्य मार्ग है, वहाँ एक तेज रफ्तार जो हाईवा ट्रक है, वो ट्रक ऑटो को जोरदार टक्कर मारी है, बल्कि ऑटो के ऊपर चढ़ गया है। यही कारण है सुमित कि उससे ऑटो में जो सवार जो सात लोग बताए जा रहे हैं, सात लोगों में से चार की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें तीन की तो सुमित घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और एक की उपचार के दौरान मौत हुई है। हालांकि फिलहाल अभी तीन की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जो चार लोगों की मौत हुई है, उन्हें अब यहाँ मर्करी भवन ला दिया गया है, जहाँ आगे की कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल जो मौत हुई है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं सुमित, क्योंकि बच्चे की मौत हुई है और एक बच्चा भी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। क्योंकि दर्दनाक जो सड़क हादसा हुआ है, वाकई कहीं ना कहीं प्रशासनिक एक बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर सरपट जो रेत से भरे वाहन है वो दौड़ रहे हैं और ओवरलोड है, यही कारण है कि हादसे का जो एक बड़ा कारण बने सुमित। बिल्कुल हरीश, और खबरें ये भी हैं कि पुलिस और ग्रामीणों की नोकझोंक हुई है। ग्रामीण भी यहां पर आक्रोशित हो गए थे। क्या अभी भी मामला गरमाया हुआ है या शांत हो गया? बिल्कुल सुमित, चूंकि हैरान कर देने वाला मामला यह है सुमित की, चूंकि जिस तरीके से ग्रामीणों की और प्रशासन की भी जो नोकझोंक की बातें निकलकर सामने आती है, प्रशासन हर जगह दावा यही करता है कि हम सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हर तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन जो हादसा हुआ है, तो हादसे में एक ही परिवार के लोग शामिल हैं, जो सभी लोग हैं एक जिनकी मौत हुई है, एक ही परिवार के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग आक्रोशित होते हैं और आक्रोश भी निकल कर सामने आया था। फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन जो मैन जो आक्रोशित है, तो जो ट्रक चालक है उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही और जो ओवरलोड ट्रक वाहन चल रहे हैं उन पर अंकुश लगाने को लेकर नोकझोंक हुई है। और यही कारण है कि जो पुलिस प्रशासनिक महकमे को एक जो है तो मुसीबत का भी सामना करना पड़ा है। फिलहाल सभी जो घायल और जो मृतक थे उनको वहां से हटा लिया गया है और जो घायल हैं उन्हें तो उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन जिनकी मौत हो गई है उन्हें मर्करी भवन में लाया गया है, जहाँ आगे की कार्यवाही जारी है सुमित। ठीक है हरीश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया है। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था ऑटो, चकनाचूर हो गया, पर खच्चे ऑटो के उड़ गए। हाईवा ने, तेज रफ्तार हाईवा ने ऑटो को जबरदस्त टक्कर मारी थी। एक बच्चे सहित चार लोगों की जान चली गई है इस दर्दनाक सड़क हादसे में। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।